चलो कहो का गया जल्दी गाओ मध्य प्रदेश की पुलिस मध्य प्रदेश की सरकार भले ही बहनों को लाडली मानती हो लेकिन रीवा की सिटी कोतवाली पुलिस फिलहाल बहनों को यानी लाडलियों को लक्ष्मी से कम नहीं मानता है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं क्योंकि अगर किसी महिला का मामला इस सिटी कोतवाली थाने में आ जाता है तो उनकी चांदी ही चांदी है। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर मैं इतनी तारीफ इस सिटी कोतवाली पुलिस थाना की क्यों कर रहा हूँ, तो आप भी जान लीजिए क्यों ही मैं कसीदे नहीं पढ़ रहा हूँ। चलिए आदरणीय थाना प्रभारी महोदय है, मैं चाहता हूँ कि इनका ये लाडली लक्ष्मी आरती उतारती है, इनका स्वागत करें। आरती उतारी आरती उतारी आरती आपका रानी मैं आप पे मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मुझे नहीं आप पहनाइए इनको माला पहनाइए देखिए इनको इनको माला पहनाइए आप नहीं नहीं आप मेरा हाथ पकड़िए जल्दी यार नहीं मैं आपका स्वागत कर रहा हूँ पूरे प्रदेशवासी जो आप इसके माध्यम से देख रहे हैं केवल और केवल कानून की किताब में सीआरपीसी में लिखा है कि अगर कोई संज्ञेय अपराध की सूचना मिलती है तो एफआईआर में तब्दील होनी चाहिए, लेकिन ये चूंकि सिटी कोतवाली थाना की पुलिस है महिला से एड़ी रगड़वाने के बाद यानी लाडली लक्ष्मी से एड़ी रगड़वाने के बाद 26 दिन बाद मामला कायम होता है और दूसरी बात 408 के अपराधी को 4 महीने बीत जाने के बावजूद भी जब गिरफ्तार करने की बारी आती है तो ये कहते हैं कि मामला की विवेचना करनी पड़ेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि जब 26 दिन तक विवेचना की गई तो आदरणी ने कैसी विवेचना की जो रात को 26 दिन विवेचना की है और उसके बाद भूल गए। नहीं 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 ये गलत बात ये एक थाने में अपराध पंजीबद्ध हुआ था 28/1/24 को कुलदीप सोनी के पत्नी के द्वारा एक नौकरों के खिलाफ जो है 408 आईपीसी के अंतर्गत अपराध कायम किया गया करवाया गया था जिसमें नौकरों के ऊपर गबन का आरोप था जिसकी विवेचना पहले भी की जा रही थी और मेरे अभी 20 दिन पूर्व जब मैं ज्वाइन किया हूँ संज्ञान में आने के बाद मैंने उसकी मामले की विवेचना किया तो उस मामले में अभियुक्त को गिरफ्तार करने के लगातार हम लोग प्रयास कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं लेकिन ये कुलदीप सोनी के द्वारा दिनांक 6 तारीख को अचानक ही अपने कई साथियों के साथ अपनी पत्नी को आगे करते हुए और मुझे अपमानित और करने के उद्देश्य तथा हमारे शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने के उद्देश्य से अचानक फेसबुक लाइव करते हुए सीधे बिना किसी अनुमति के और बिना पूछे अंदर घुस आया और हमारे साथ अशोभनीय बर्ताव करने लगा जिसको हमने कहा कि बैठ जाइए हम बात करते हैं लेकिन उसके बाद भी नहीं माना समझाई देने के बाद तो इस तरह का जो है कुलदीप सोनी के द्वारा किया गया था जबकि हमारे द्वारा लगातार हम हर व्यक्ति का सुनते हैं और मामला समस्या का समाधान करने का हर संभव प्रयास करते हैं। इसी मामले को लेकर जो है कल हाई कोर्ट में भी ये वीडियो संज्ञान में लाया गया जिसमें प्रार्थी के इस बर्ताव को काफ़ी अनुचित ठहरा है और उस प्रार्थी को हाईकोर्ट ने फटकार भी लगाई है। उक्त मामले को हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी संज्ञान में लाया है और नियमानुसार जो है उसमें आगे की जांच किया है।